नमस्कार सभी को, जय हिंद जय भारत। आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इससे पहले हमने 2 डिजिट की गुणा को हमने आसान किया था, शॉर्ट ट्रिक से, जिसको हम वैदिक ट्रिक कहते हैं, उस तरीके से हमने उसको किया था। आज हम 3 डिजिट करेंगे। भाई, जिसके अंदर 3 अंक होते हैं तो उस संख्या को हम कैसे कर सकते हैं? तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। तो हम मल्टी करते हैं, गुना जिसको बोलते हैं हम मल्टी, मल्टीप्लीकेशन जिसको हम गुना कहते हैं। इससे पहले हमने 2 अंकों को की गुणा की थी, इसके बाद आज हम 3 अंकों की गुणा करेंगे। कितने अंकों की गुणा करेंगे? 3 अंकों की गुणा, 3 अंकों की गुणा करते हैं। जैसे हमारे पास कोई भी 3 डिजिट लेते हैं हम, कोई भी 3 डिजिट लेते हैं हम, कोई भी हम 3 डिजिट लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके रूल्स लिखते हैं। सबसे पहले हम इसके रूल लिखेंगे। जैसे हमने 2 अंकों की जो मल्टी करी थी, उसके अंदर भी हमने क्या किया था, इसके अंदर इनको जो रूल्स थे, 3 स्टेप थे, उसको लिखा था। लेकिन आज इसके 3 4 स्टेप हैं, उन स्टेपों को हम लिखते हैं। तो आप मतलब किसी भी एग्जाम के अंदर बैठते हैं तो उसको शॉर्ट ट्रिक से आसानी से जल्दी, अगर कोई भी बच्चा किसी परीक्षा में बैठता है तो उसको आसानी से कर सकता है। लेकिन वैसे अगर हम मल्टी करते हैं तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। जैसे हमारे पास ये 3 डिजिट होते हैं तो इसको हम कैसे करते हैं? हमारे पास स्टेप नंबर 1, ये डिजिट होते हैं। जैसे हमारे पास 3 डिजिट, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हमारे पास 3 डिजिट हो जाएंगे। हम ये रख लेते हैं। तो प्लीज़ जाना नहीं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो हमारे पास कम से कम 5 स्टेप होंगे इसके अंदर ये, तो उन स्टेपों को आप याद रख सकते हैं। स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2 हो जाएगा हमारे पास, ये स्टेप नंबर यहाँ 3 हो जाएगा, और ये स्टेप नंबर 4 हो जाएगा, और ये स्टेप नंबर 5। मतलब 5 स्टेप हम करेंगे इसके अंदर, फिर उसको हम आसानी से कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को आप ज़रूर देखें, पहले देखें, उसके बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके साथ हम मल्टी करते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम इसके साथ मल्टी करेंगे, उसके बाद है फिर हम इसके साथ मल्टी करेंगे। सेकंड स्टेप के अंदर ऐसे मल्टी करेंगे हम, उसके बाद है तीसरे स्टेप के अंदर हम किसे मल्टी करेंगे, इस संख्या के साथ इसकी मल्टी करते हैं, और इस संख्या के साथ इसकी मल्टी करते हैं, और इस संख्या के साथ इसकी मल्टी करेंगे हम। फोर्थ स्टेप के अंदर क्या करेंगे हम, इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम, ये मल्टी हो जाएगी, इसके साथ ये मल्टी, और लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसके साथ ये मल्टी करेंगे हम। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं। इन स्टेपों के अनुसार हम मल्टी को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन आपको देखने में लगते हैं सिर्फ 2 3 सेकंड या 5 सेकंड का ही समय लगेगा, लेकिन अगर वैसे मल्टी डालते हैं तो बहुत ज़्यादा ही समय लगता है। तो चलो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, आपको करके दिखाते हैं। तो जैसे पहले हम इसके अनुसार इसके साथ इसकी मल्टी करते हैं, 3 दूनी कितना आएगा, 6 आएगा। फिर इसके साथ इसकी मल्टी करते हैं, 4 दूनी 8 और 5 3 15, 15 8 कितने हो जाएंगे, 23 का 3, 11 कितनी बचेगी, 2 बचती है। फिर इसके साथ इसकी मल्टी करते हैं, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4 और 6 और 5 चौके 20,
कितना हो जाएगा, 30, 30 और 2 32 का 2, आंसर कितनी बचेगी हमारे पास, 3 बचेगी। अब कौन से स्टेप में करेंगे हम, अब इस स्टेप में करेंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 10 18, 18 और 3 21 का 1 का हासिल बचेगी, 21 का 1 हासिल बचती है हमारे पास 2। अब कौन सा स्टेप यह आएगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगती है, अगर ये आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक बार फिर मैं आपसे रिपीट कर देता हूँ भाई, पहले हम इसके साथ मल्टी करेंगे इस स्टेप के अनुसार, 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर इसके साथ करेंगे 4 दूनी 8 और 5 तीय 15, 4 दूनी 8 और 5 तीय 15, 4 दूनी 8, 5 तीय 15, 15 8 कितना हो जाएंगे, 23, 23 का 3 लिखेंगे, कैरीज हमारे पास 2 बचेगी। अब किसके साथ मल्टी करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 5 चौके 20, 20 और 26, 26 और 4 कितने हो जाएंगे, 30, 30, 30 और 3 कितने, 30 और 2 कैरीज हमारी 32, 32 का 2 कैरीज हमारे पास बचेगी 3, कैरीज हमारे पास क्या बचेगी, 3। अब किसके साथ मल्टी करेंगे हम इसकी, 5 दूनी 10, 32 का 2 कैरीज हमारे पास 3 बचेगी। अब इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे हम, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा, 10 और 8 18, 18 और 3 कितने हो जाएगी, 21, 21 का 1 हासिल बचेगी 2, 2 दूनी 4, 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 6। तब इस स्टेप से हम इसको कर सकते हैं। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, तो आपको चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को अंत तक जरूर देखें भाई। जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। हमें सीखने के लिए बहुत देखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद है, हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे है हमारे पास कोई भी डिजिट, कोई भी 3 डिजिट ले सकते हैं हम, कोई भी हम 3 डिजिट की मल्टी हम कर सकते हैं। उसके बाद है, जैसे हमारे पास ये ले लेते हैं हम मल्टी, ये रखते हैं हम इसके अंदर। अब पहले हम क्या करेंगे, इसके अनुसार करेंगे, 5 0 0 रखते हैं। अब किसके साथ, इसके साथ इसकी मल्टी करेंगे, 5 7 35, 3 0 0, 35 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा, 35 का 5, कैरिज कितनी बचेगी हमारे पास, 3 बचती है। अब उस स्टेप के अनुसार जाएंगे हम, 5 चौके 20, 2 0 0, 7 तिया 21 और 3 कैरिज जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 4 44, 44 का कितना बचेगा, 4, 4 कैरिज बचेगी। अब इसके अनुसार करेंगे हम, 4 तीय 12, 7 दूनी 14, 26, 26 और 4 30, 30 की 0, 3 कैरिज बचेगी हमारे पास, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, ये हमारा आंसर आ चुका है। तो इसको हम आसानी से, अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर हम बैठते हैं, तो वहाँ उसको हम आसानी से कर सकते हैं। इससे बेस्ट ट्रिक आपको कोई भी नहीं मिलेगी, सबसे ये बेस्ट ट्रिक है। अगर इसको हम वैसे हम आम मल्टी करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, टेबल पढ़ेंगे हम और मल्टी करेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, तो काफ़ी समय लगता है। लेकिन आप इन स्टेप को याद रख सकते हैं, तो आपको आसानी हो सकती है। इससे पहले हमने 2 अंकों की मल्टी को आपको भी पास वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको आप देख सकते हैं, और वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तो उसे भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, वीडियो आपको अच्छी लगती है, आपका हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है भाई, जो कमज़ोर छात्र हैं और जो मतलब शिक्षित, हमें सिर्फ ये शिक्षित करना है भाई, भारत का जो प्रत्येक नागरिक है, जो बच्चा है, वो अच्छे अंकों से मतलब किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करे और अपने मतलब पद पर हासिल या अपना पद हासिल कर सके। उसके बाद हम और अंक लेते हैं, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहना। मतलब जब तक हम देखेंगे नहीं, तब तक हम सीखेंगे नहीं। अबे हम रटना छोड़ दो, सिर्फ हमें सीखना है। उसके बाद है, हम और संख्या लेते हैं, ये संख्या लेते हैं हम इसके अंदर,
ये संख्या हम रख लेते हैं। 3 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास? 6, कोई कैरिज नहीं बचेगी। 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 3 तिया 9। पहले इसके साथ 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 8 9 17, एक कैरिज बचेगी हमारे पास। अब इसके साथ मल्टी करेंगे हम, 4 तिये 12 और 3 दूनी 6, 4 तिये 12 और 1 12 12 24, 24 36, 30 31, 3 कैरिज बचेगी हमारे पास। अब इसके साथ 3 तिया 9 और 4 चौके 16, 16 9 कितने हो जाएंगे? 25, 25 और 3 28, 28 का 2 कैरिज, 4 तिये 12 13 और 14 हमारा ये आंसर। बिल्कुल सिर्फ 3 सेकंड का समय लगे। अगर हम 3 डिजिट की अगर हम मल्टी करते हैं, 3 अंकों की अगर हम मल्टी करते हैं, तो सिर्फ हमें 3 सेकंड का ही अगर हम फास्ट करें तो ये तो समझने के लिए सिर्फ क्या है भाई, थोड़ा टाइम लगाते हैं भाई, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए। लेकिन अगर नहीं करते हैं फास्ट और ज़्यादा तेज़ करते हैं तो सिर्फ 3 सेकंड का ही समय लगेगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है उसके बाद देखने के बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो कहते हैं पहले देखें फिर विश्वास करें। तो चलो हम और इसके बाद और सम्स आपको करके दिखाते हैं। बिल्कुल आसान ट्रिक है। इसके बाद जैसे हमारे पास है कोई भी हम डिजिट ले सकते हैं, कोई भी। पांचे पांचे क्या हो जाएगा हमारे पास? 25, 2 कैरिज बचेगी। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 भी 40, 40 और 2 42, 4 कैरिज बचेगी हमारे पास। अब इसकी मल्टी करें, 5 6 के 30, 5 3 15, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 3 15, 4 चौके 16, 1 3 2 5 और 1 6। और हमारे पास कैरिज कितनी बची हुई है? कैरिज कितनी बची हुई है? 4। कितना हो जाएगा? 65, 65 का 6 कैरिज बचेगी हमारे पास। अब क्या करेंगे हम, किसके साथ मल्टी करेंगे? इसके साथ मल्टी करें, 4 6 के 24, 4 3 12, 4 6 के 24, 24 और 12 कितने? 36, 36 और 6 42, 42 का 2, 4 कैरिज बचेगी हमारे पास। 6 3 18, 18 और 4 22। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। ये हमारा क्या है? पार्ट पार्ट नंबर 2 भाई। इससे पहले हमने एक मल्टी का पार्ट, उसके अंदर सिर्फ हमने क्या किया था, 2 अंकों की जो मल्टी थी उसको हमने सिखाया था। आज हमारे पास ये 3 अंकों की मल्टी है। उसके आने वाले वीडियो के अंदर हम 4 अंकों की मल्टी आपको सिखाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल प्रेस जरूर करना, ताकि आने वाले के लिए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं।